और गुरुग्राम में आपको बता दें शहीदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहुंचे हैं। इसके अलावा कार्यक्रम में प्रसिद्ध कवि आपको बता दें कुमार विश्वास अपनी कविताओं से सबका मन मोह रहे हैं, ये भी आपको दिखा देते हैं। ओए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता, ओए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता। एक छोटा बच्चा जिसने बचपन में खेतों में बंदूक बोई और 9 मील चलकर वो जलियांवाला बाग पहुंचा और वहां की मिट्टी लेकर आया, जिसने करताब सिंह सराबा से प्रेरणा ली, उससे इस लड़के ने किस तरह हिंदुस्तान का मोड बदला। आजादी की लड़ाई तो भारत में 1857 से चल रही थी, लेकिन भगत सिंह ने एक नया पन्ना रखा इस देश के इतिहास में कि आजादी की लड़ाई केवल विमर्श से, केवल धरने से, केवल प्रदर्शनों से ही नहीं मिलेगी, अगर समय आया तो इस देश पर अपना सर्वोच्च बलिदान भी करना पड़ेगा। ओए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता, ओए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता। ओए बड़े वीर साडे साडी एक है भारत माता, ओए बड़े वीर साडे साडी एक है भारत। बनता कैसे है? तालियां बंद मत करो, काम अकेला नहीं करूंगा मैं, रोटी साथ खाएंगे। साहिब जादियां दी गाथा बचपन से सुना क्या उसने? साहिब जादियां दी गाथा बंदा बैरागी ताप सुने, बंदा बैरागी ताप सुने। बाबा दीप सिंह दी कथा सुनी गुरुआं दे पुण्य प्रताप सुने, गुरुआं दे पुण्य प्रताप सुने, गुरुआं दे पुण्य प्रताप सुने। खेतां विच बंदूकां पोई चाचे अजीत दे कर्म सुने, चाचे अजीत दे कर्म सुने, चाचे अजीत दे कर्म सुने। सरदारी कंठ धरी गुरु ग्रंथ साहब दे जाप सुने, गुरु ग्रंथ साहब दे जाप सुने, गुरु ग्रंथ साहब दे जाप। अब बताना, एक पंक्ति पढ़ रहा हूँ। इस देश के नोटों पर भगत सिंह की फोटो नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान का एक भी सीना नहीं है जिसके अंदर भगत सिंह ना धड़कता हो। जनगण मनता तू ही सच्चा, जनगण मनता तू ही सच्चा, जनगण मनता तू ही सच्चा भारत भाग्य विधाता। ओए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता, ओए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता। ओए बड़े भाई साडे साड़ी एक है भारत माता, ओए बड़े भाई साडे साड़ी एक है भारत माता। ओए वीर भगत सिंह, ओए वीर भगत पीछे वालों, ओए वीर भगत सिंह, ओए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल जुड़ गया नाता, ओए वीर भगत सिंह वे तेरे नाल। बचपन अच्छा बीते तो जवानी शेप हो जाती है, किन लोगों से दोस्ती रही इस मरनाहर की, इन तीनों की, सुखदेव की और राजगुरु जी की, निवेदन करता हूँ। आजादो परवाना बोला, आजादो परवाना बोला। आजाद कौन? जिसने कहा अंग्रेजों के कारखाने में अभी वो गोली नहीं बनी, वो हथकड़ी नहीं बनी जिसे मुझे गिरफ्तार कर सके, मैं आजाद पैदा हुआ था, आजाद ही मरूंगा। आजादो परवाना बोला, आजादो परवाना बोला, झांसी दी दीवानी बोली, झांसी दी दीवानी बोली। कौन झांसी की दीवानी? आजकल वुमेन एंटरप्रेन्योर के नाम पर 21 साल 22 साल की एक लड़की का बंबई में दिल्ली में सम्मान हो जाता है, कहते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, दो इनकी फिल्में हिट हो गई। मैं भी मानता हूं, पद्मश्री भी दे देती है सरकार तो इसी दे देती है, लेकिन वुमेन एंटरप्रेन्योर अगर कभी कोई हुई है, जितनी महिलाएं बैठी हैं, हमारी माएं, हमारी भाभियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर इस देश में हुई
तो झांसी राजवंश की वो कुलवधू जिसने 21 वर्ष की आयु में दोनों लगाम घोड़े की अपने दांत में दाबी, नवजात शिशु को पीठ पर बांधा और दोनों हाथों में तलवार उठाकर कहा, जब तक नसों में खून की एक बूंद है अंग्रेजों की औकात नहीं कि मेरी झांसी पर कब्जा कर सके। आजादो परवाना बोला, आजादो परवाना बोला, झांसी दी दीवानी बोली, झांसी दी दीवानी बोली, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, मुंह बोली बहन छबीली, लक्ष्मी बाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी, वो संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वो नाना के संग खेली थी, नाना के संग खेली थी, पर्ची ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, उसकी यही